सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अच्छा समय और बुरा समय दोनों का अलग अलग महत्व है। अच्छा समय लोगों को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है और बुरा वक्त आपको बताएगा कि लोगों की वास्तविकता क्या है। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं, जो दिल से दिया जा सकता वो हाथों से नहीं। आज का पंचांग 16 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 12:19 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 9:55 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:25 से 11:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 16 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार, आप इस समय पार्टी में जाने और अपने प्रियजनों के साथ भोजन और कला का मजा लेने के मूड में हैं। आनंद ले किंतु कम खर्च करें। उन करीबी लोगों का ध्यान रखें जो किसी संकट का सामना कर रहे हैं। यात्रा की योजनाओं को पुनः निर्धारित करने की जरूरत हो सकती है। आज आपको दूसरों के साथ भावनात्मक संपर्क की आवश्यकता है। व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से संबंध बनाना आपकी मदद कर सकता है। आप अपनी सफलता के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और अब कोई आपको रोक नहीं सकता। आज कुछ परेशानियां सामने आएगी परंतु आप अपनी बुद्धि बल तथा चतुराई से समस्या का समाधान भी पा लेंगे। कोई रुके हुए पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्या सुलझ जाएगी। निकट संबंधियों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपसे संबंधों को और अधिक मजबूत रखेगा। बार बार होने वाली गलतियों को दूर करने की कोशिश करें। एक जैसे विचार रखने से परिस्थिति में भी बदलाव नजर नहीं आ रहा है। मानसिक रूप से आप निराश महसूस कर रहे हैं लेकिन इस परिस्थिति को बदलना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इस बात को समझने की कोशिश करें। काम से संबंधित अधिकतर बातों पर आपका नियंत्रण रहेगा। पार्टनर को किस हद तक जीवन में महत्व देना है इस बात को समझना होगा। पेट संबंधित इन्फेक्शन दूर हो सकती है। सावधानियां, मित्रों तथा संबंधियों के साथ संपर्क बनाकर रखें। खास तौर पर महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। दूसरों के मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा दखल अंदाजी ना करें। संतान की कोई जिद आपको परेशान कर सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। माता पिता आपके लिए भगवान के समान है और आज उन पर आए संकट आपको परेशान करेंगे। आपके प्यार में सच्चाई है जिससे आपका रोमांटिक जीवन और भी प्रफुल्लित होगा। पार्टनर को किस आलिंगन करना या एक मुस्कुराहट आपकी चाहत की ही निशानी है। यात्रा में विलंब हो सकता है। लोगों की बातों को सुनना और उनकी मदद करना जैसे गुण आपके लिए निजी और कार्यस्थल दोनों में फायदेमंद है। सपने देखने और उन्हें पूरा करने का उत्साह भी आप में भरपूर है। आपके साथी के साथ आपका तालमेल बेहतरीन है। अगर प्यार नया है तो इसे पूरा वक्त दें क्योंकि यह प्यार जीवन भर का है। बात करते हैं करियर की। अगर अभी आप किसी करियर या व्यापार के बारे में सोच रहे हैं तो पहले किसी करीबी से राय ले लें। वित्त बैंक और धन संबंधित मामलों में लाभ की संभावना है। जल्दबाजी ना करें और अपने कामों में होने वाले लाभ हानि पर विचार करके आगे बढ़ें। आज आप अपने प्रियजनों से संपर्क कर सकते हैं। भविष्य की कुछ बेहतरीन योजनाएं आपका इंतजार कर रही है।
और आने वाले समय में आपके सभी सपने सच होंगे। दुनिया बेहद खूबसूरत है, इसलिए बाहर निकलकर इसका पूरा मजा लें। अपने सपनों की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। बात करते हैं सेहत की। व्यायाम, योग जैसे गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। व्यवस्थित दिनचर्या तथा आदतों में सकारात्मक बदलाव आपको स्वस्थ व निरोग रखेगा। पेट संबंधित इन्फेक्शन दूर हो सकती है। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।